भाई ये देख लो गाइस, ये देख लो, एकदम सी कड़क। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे लो तो भाई लोग कैसे हो सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो भाई तुम्हारा भी मस्त है, एकदम ज़बरदस्त है। तो गाइस सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, जो मेरी लास्ट वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो ताकि भाई तुम्हारा अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाता रहे। तो वैसे भी मेरे को ट्रैवल करने में बहुत ही मज़ा आता है, तो साथ में आपको भी दिखा लेते हैं हम कहाँ पे हैं। तो गाइज आज का व्लॉग में रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अभी कुछ मैं ऐसी जगह पे हूँ, ये आप देख सकते होंगे। तो ये मेरा सामान पीछे पड़ा है। एंड गाइज वन मोर थिंग, हमने थोड़ा अब्दुल्ला को थोड़ा अपग्रेड कर दिया है, ठीक है ना गाइज? तो कमेंट करके बता सकते हो ये वही है या चेंज करा है मैंने। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज अभी मैं कुछ ऐसी जगह पे हूँ, मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, अभी मैं कुछ ऐसी जगह पे हूँ एंड अभी मैं घर से बहुत ही ज़्यादा दूर आया हुआ हूँ। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो गाइज ऐसे ही प्यार दिखाते रहो भाई की वीडियो पे एंड भाई आपके लिए मैं एकदम मस्त मस्त से कंटेंट लाते रहेगा। नई नई जगहों पे जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज भाई तुम्हारा आज भी रामन के जंगलों में है, बस अभी मैं सुबह निकला हूँ। एंड गाइज यकीन मानोगे इतनी भूख लगी ना, सुबह से कुछ खाया नहीं है एंड टाइम हो गया भाई 2 बजने वाले हैं। गाइज 2 बजने वाले हैं, ये देख लो 2 बजने वाले हैं। तो भाई अभी जाना है, कुछ बनाना है, खाना है एंड आज ना गाइज मस्त ब्लॉग रहने वाला है। क्यों नहीं कि आज भाई ना एक गजब की टेक्निक यूज़ करने वाला है। वो टेक्निक क्या यूज़ करनी है तो ब्लॉग में एंड तक बने रहो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला है, बस कुछ अलग होगा। तो गाइज अभी मैं मिलता हूँ आपसे कैंपिंग लोकेशन। तो गाइज बहुत ज़्यादा चलने के बाद मैं कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ एंड मेरे को लगता है यहाँ पे मैं कैंपिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे साथ में पानी भी है। और गाइज यहाँ पे ठंड ना बहुत ही ज़्यादा है, आप यकीन करोगे यहाँ पे ना कोहरा लगा हुआ है। मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ, ये देख लो गाइज कोहरा लगा हुआ है ठंड की वजह से, इतनी ठंड है यहाँ पे। ये देख लो भाई जहर है, ये देख लो गाइज यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे नाला भी है साथ में पानी के लिए, बहता हुआ पानी मिल जाएगा। और मेरे को ये लोकेशन भी परफेक्ट लग रही है। तो गाइज ये है कुछ मेरे बैकग्राउंड का व्यू, जो पिछला व्लॉग आया था मेरा उसमें मैं था वहाँ पे चीड़ के दरख्त थे पाइन ट्रीज, और यहाँ पे काइल और दीदार है। ये लोकेशन मेरे को अच्छी लग रही है कैंप के लिए, यहाँ पे अपना टेंट वगैरह एकदम सेट हो जाएगा। एंड ये है आसपास की लोकेशन, अभी यहाँ पे हमने आग जलानी है। और गाइस ये है काइल के पेड़, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना गाइस, इनके आग से ना बर्तन ज़्यादा काले नहीं होते। अपना टेंट वगैरह रेडी हो गया, सारा कुछ ओके हो गया, अब हमें आग जलानी है और उसके लिए हमें सबसे पहले लकड़ी लानी है। चलते हैं हम अब्दुल्ला को अपने साथ। गाइस जो भी चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। की लकड़ी मिल गई तो आप देख सकते हैं भाई ये लो। लोग यार भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो ये होगी अपनी लकड़ी, आपको दिख रही होगी बहुत है। फिलहाल हम आग जलाते हैं। ये है चलेतर, ये काइल के होते हैं एक्चुअली, इससे थोड़ी हीट मिल जाएगी लकड़ी को, तो हमें ये जलने के लिए अच्छे रहते हैं। तो
तो सबसे पहले हम इसको आग लगा लेते हैं। ये देखो एकदम से आग पकड़ दी। हमारी आग वगैरह भी अच्छे से जल चुकी है। तो गाइस जब तक हमारी चाय बनती है तब तक हम अंडू के साथ एक न्यू ट्रिक तैयार करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने थोड़ी मिट्टी यहाँ पे खोदी है और इसमें थोड़ा मैंने पानी डाल दिया। अब हम इस मिट्टी को गूंद लेते हैं, ठीक है ना। गूंदने के बाद ये अंडे हैं, ये देख लो भाई, ये बन गया अंडा। तो गाइस देखते हैं हमारे अंडे बॉयल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो अंडों के साथ क्या होगा। तो गाइस ये बन गए अपने चार अंडे। चाय भी बन गई और ये रहे अपने अंडे। तो अब हम इनको डालते हैं आग में पकाने को। एक यहाँ से डाल देते हैं, एक यहाँ से डाल देते हैं और एक यहाँ पे डाल देते हैं और एक ओ। तो भाई लोग अपनी चाय वगैरह भी होगी एंड अंडे भी न्यू टेक्निक से बॉयल करने के लिए डाल दिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ बॉटल्स लेके पानी लाने। पानी आप देख सकते हैं बहुत दूर जाना पड़ रहा है मेरे को। तो ये आ गया, पानी भर लेते हैं यहाँ से। तो भाई जैसे पानी तो मैं लेके आ गया लेकिन क्या बोलूँ, कितनी ठंड लगी है हाथों में, हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं। अपनी आग एकदम मस्त तरीके से जल रही है और हम काटते हैं सबसे पहले ये टमाटर। हम काटते हैं प्याज। भाई इस वीडियो में भी बस एकदम जबरदस्त वाला प्यार दिखा दो यार। भाई यहाँ पे इतनी ठंड है ना, यकीन मानो भाई यहाँ पे नाइट कैंपिंग ना पॉसिबल ही नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो गाइस हमने सब्जी वगैरह तो प्याज टमाटर वगैरह काट दिए हैं एंड ये रहे अपने अंडे, इनको भी हम निकाल देते हैं साइड पे, देखते हैं इनके साथ क्या हुआ होगा। तो भाई लोग अब हमारा तड़का लगने जा रहा है। भाई बड़ी मेहनत करी आज, बिलीव करोगे। ये थोड़ा सा तेल ट्राई करते हैं, ये देख लो भाई जहर गजब। भाई भाई सीन हो गया था। तो गाइज अपना प्याज मसाला वगैरह हो गया है रेडी। तो अब इसमें हमें डालने हैं टमाटर। तो ये ले गया इसमें टमाटर। ये देख लीजिए अपना मसाला भी एकदम रेडी हो गया। और एंड गाइज टाइम 4 हो रहा है, ये देख लीजिए, और हाथों की हालत ये देख लीजिए। तो भाई लोग फाइनली हम अंडे को अब खोलना स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये देख लो भाई, अंडा थोड़ा फट सा गया है, अब देखते हैं अंदर गया है। भाई फटा तो है अंडा थोड़ा सा, बट फिर भी सेफ है। तो भाई ये आ गया अपना फर्स्ट अंडा। भाई अंडा बॉयल हो चुका है, लग तो रहा है फुल बॉयल हो चुका है। अब देखते हैं इसको अच्छे से खोल के एंड अब दूसरे को देखते हैं। भाई दूसरा तो एकदम सही तरीके से खुल गया। भाई ये देख लो गाइस, ये देख लो एकदम सही कड़क। तो भाई ये अगर आपके पास बर्तन नहीं हो तो आप फिर भी अंडे बॉयल कर सकते हो, आप अगर आग जला सकते हो और वहाँ कहीं साथ में पानी है तो दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो भाई लोग ये देख लो, मतलब एकदम सॉलिड अंडे तैयार हो चुके हैं, बिलीव नहीं होता। मैं तो बस एक टेक्निक यूज़ कर रहा था कि
हम ऐसे अंडे बॉईल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। भाई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी ट्राई कर सकता है। अब टेस्ट कैसा होगा गाइस, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से ये देखो जल भी गया है, थोड़ा सा जला हुआ है। तो चलो इनके छिलके उतारते हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको क्या सीन है इनका। गाइस ये देखो ना, इसलिए ये जल चुका है यहाँ से, शायद यहाँ पे मिट्टी कम होती ना, ज़्यादा हीट की वजह से जल चुका है, बाकी सब ठीक ही है। तो गाइस ये रहे अंडे, अच्छे से बॉईल हो चुके थे, कुछ थोड़े से कम हुए थे साइड से करने की हीट की वजह से। तो गाइस अब हम इनको डाल देते हैं सब्ज़ी में। तो गाइस ये होगी हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी बन के, ये देख लीजिए। तो गाइस अपना चावल भी एकदम रेडी हो गया है, तो अब हम खाने की तैयारी करते हैं। एंड तो भाई लोग फाइनली हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली ठंड बहुत ही ज़्यादा है यार, पूछो भी नहीं इतनी ज़्यादा ठंड है। एंड गर्मा गर्म खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। और यहाँ हमने कुछ सलाद रखी थी, सलाद भी डाल देते हैं थोड़ी सी। एंड ये आ गई मिर्च। तो भाई हम खाना ट्राई करते हैं, भाई भूख बहुत ज़्यादा लगी है। एकदम परफेक्ट भाई, मिर्च थोड़ी ज़्यादा है, सब कुछ परफेक्ट है बाकी। एंड गाइस आज मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, हम अंडे को और एक तरीके से भी पका सकते हैं। एंड हमारा एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल रहा। सो गाइस खाने का टेस्ट पूछो ही नहीं, मस्त वाला टेस्ट है। तो गाइस खाना वगैरह हो गया, बर्तन वगैरह धो दिए मैंने, ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही है। तो मैं सोचता हूँ पहले मैं आग सीख लूँ, एंड ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, ठंड से बुरी हालत हो चुकी है। अभी मैं आग सीख रहा हूँ थोड़ी सी। तो भाई खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तो अभी नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं, कैंपिंग का ही रहेगा। तो एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो गाइस अभी हम आग थोड़ी अच्छे से जलाते हैं एंड आग सीखते हैं। गाइज अपनी पैकिंग वगैरह होगी, एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मैं फिर से आग के पास आ गया आग सीखने के लिए। लेकिन यहाँ ना पूछो ही नहीं, एकदम खतरनाक हवाएं चल रही है, और जंगल भी बहुत ही ज़्यादा डरावना है। आप देख सकते हो ना कितना खतरनाक जंगल है यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो गाइज इस व्लॉग को अब यहाँ पे ही एंड करते हैं, ताकि हमारा व्लॉग ना ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। एंड आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये अब्दुल्ला, इसके बारे में भी बताना भाई, इसको जो अपग्रेड करा है मैंने कैसा है। देखो भाई एकदम सी रैप वगैरह लगवाया है मैंने इसको। तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर से किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक ले खुश रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, एंड ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। और भाई तुम्हारा भी तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट ढूंढ के लाएगा। तो गाइस बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे फिर से किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।
तो मिलते हैं फिर से किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर। तो भाई लोग बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। तो निकलते हैं और मिलते हैं फिर से किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में। बाय। फलक तक चल।